देखिए बस स्वागत है आपका। उत्तराखंड में बीजेपी के स्टार प्रचारकों के ताबड़तोड़ दौरे हो रहे हैं। 13 और 14 अप्रैल को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड में रहेंगे। सीएम योगी 13 अप्रैल को हल्द्वानी में जनसभा करेंगे। 14 अप्रैल को देहरादून, श्रीनगर, हरिद्वार में जनसभाएं करने वाले हैं। 14 अप्रैल को ही स्मृति ईरानी मसूरी, नौगांव, अगस्त मुनि में जनसभा को संबोधित करेंगी। 16 अप्रैल को अमित शाह कोटद्वार में रोड शो करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। 17 अप्रैल को अनुराग ठाकुर चक्राता विकास नगर के दौरे पर रहेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी का यहाँ पर दो ऐतिहासिक जनसभाएं हो चुकी हैं और उनका पूरा संदेश उत्तराखंड के लोगों के पास जा चुका है। हमारे केंद्रीय नेतागण भी आ रहे हैं, उनके भी सबके कार्यक्रम लगे हैं। कल माननीय राजनाथ सिंह जी, रक्षा मंत्री जी का प्रवास था और उन्होंने भी 3 जनसभाएं यहाँ की थी। उससे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी 2 दिन का प्रवास करके गए हैं। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का भी आज उत्तराखंड में जनसभाएं हैं आज और कल। इसके अतिरिक्त केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का भी हमारे यहाँ पर अभी जनसभाएं होनी हैं। कुल मिलाकर केंद्रीय जो हमारे नेतागण हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रवास होने के बाद उत्तराखंड का चुनावी माहौल पूरी तरह से एक तरफ पूरे जोश और जुनून पर आ चुका है। बीजेपी के चुनाव प्रचार के गाने इन दिनों खूब ट्रेंड कर रहे हैं। कैंपेनिंग के गानों में केंद्र सरकार के फैसलों को रिमिक्स और रीजनल भाषाओं में बनाकर बीजेपी ने नए कलेवर में पेश किया है, जिसको लेकर बीजेपी का दावा है कि जनता को ये पसंद भी आ रहे हैं। तीन तलाक, राम मंदिर से लेकर यूसीसी जैसे मुद्दे बीजेपी के कोर एजेंडे में शामिल रहे और इसलिए बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में इसे पूरी तरह से भुनाया है। पार्टी ने कैंपेनिंग में ऐसे सॉन्ग लॉन्च किए हैं जिसमें बीजेपी के कोर एजेंडे के मुद्दे शामिल हैं। चुनावी जनसभाओं से लेकर रैली, रोड शो में इन्हीं मुद्दों और पीएम मोदी के कड़े फैसलों को गाने के रूप में बीजेपी ने प्रेजेंट किया है। इन गानों में पिछले 10 सालों में पीएम मोदी के लिए फैसलों से लेकर केंद्र सरकार की योजनाओं की पूरी डिटेल है। मेरे को लगता है कि युवा जो गर्ल्स हैं, युवा जो बॉयज हैं, जो प्रथम फर्स्ट टाइम वोट करने वाला जो क्षेत्र एरिया है, उन सभी में वो लोग बहुत पॉपुलर हो रहे हैं और उनको हम लगातार उनके बीच में भेज भी रहे हैं और वो अपनी बात कहते हैं तो बहुत कम शब्दों में, पैरोडी में, गाने के रूप में बहुत जल्दी उन तक पहुंच रहा है, उसका फायदा निश्चित तौर पर। अभी कई गाने लॉन्च हुए हैं। अभी हमारे कुछ अपने पदाधिकारी और कुछ कार्यकर्ता हैं, इवन उन्होंने भी गाने बनाए और हम यहाँ चला भी रहे हैं और हर विधानसभा और लोकसभा में ये गीत चल रहे हैं। बीजेपी नेता मानते हैं सोशल मीडिया से लोग जुड़े हैं, इसलिए इस तरह के गाने लोगों को पसंद भी आ रहे हैं। रीजनल से लेकर रिमिक्स में कई सिंगर ने ऐसे गाने तैयार किए जिस पर पिछले लंबे समय से मेहनत की जा रही थी। यानी कह सकते हैं कि चुनावी माहौल में पार्टी जनता का मिजाज जानते हुए उस कड़ी पर काम कर रही है और प्रदेश में सिर्फ पीएम मोदी के नाम पर जनता के बीच में है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने सोमेश्वर में प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शिरकत की है, जिसमें कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य भी उनके साथ मौजूद रही हैं। तस्वीरें आपको कार्यक्रम के दौरान की दिखा रहे हैं। भगत सिंह कोश्यारी ने कहा है कि राष्ट्र निर्माण के लिए पीएम मोदी तेजी से काम कर रहे हैं, युवाओं में राष्ट्र निर्माण में सहयोग करने की अपील की है। पीएम मोदी तीसरी बार देश के पीएम बनने जा रहे हैं, जिसके लिए मतदान में सभी हिस्सा लें। नेतृत्व चाहिए, देश आगे बढ़े। हम सब चाहते हैं, हमको आकर के मोदी जी को घर में सबकी रोटी रोटी बना रहे हैं, या कोई रेखा ने या अजय चमका ने भी तुम्हारी रोटी बना ली है क्या? काम तो हमने अपना ही करना है, खेती तो हमने अपनी करनी है, है? लेकिन देश के रूप में खड़ा हो, कितनी सुंदर सड़क है, कितना अच्छा लगता है, कितनी काफी हवा यात्रा करती और कितना एक से एक अच्छा काम करे जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का प्रचार अभियान भी जारी है। हरिद्वार में शुक्रवार यानी कि कल कांग्रेस ने युवा कांग्रेस न्याय सम्मेलन का आयोजन किया,
जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, कैंपेन कमेटी के चेयरमैन प्रीतम सिंह मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज देश का युवा बेरोजगार हो गया है। हरिद्वार से कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र रावत ने कहा कि आज युवा कांग्रेस की तरफ आशा भरी निगाह से देख रहा है। कांग्रेस ने हरिद्वार में बड़ी जीत का दावा किया है। प्रियंका जी के आगमन के स्वागतार्थ हो रहा है और मैं युवा कांग्रेस को बहुत बधाई देता हूँ। कल बड़ी संख्या में युवा प्रियंका गांधी जी को सुनने के लिए देवी ग्राउंड पर। प्रियंका गांधी जी आ रही है कल रुड़की में, निश्चित रूप से उनके आने से जो है चुनाव में बदलाव आएगा और जो हालात आज की तारीख में है उससे मैं समझता हूँ आम जन जो है त्रस्त है, महंगाई चरम पर है। आज जो है कांग्रेस की तरफ युवा बहुत आशा भरी निगाह से देख रहा है। हमारे राहुल गांधी जी की गारंटी है कि सत्ता में आते ही 25 लाख युवाओं को पहले उसमें हम रोजगार देने का काम करेंगे। देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर कपल की संदिग्ध मौत हो गई है। हरियाणा के बहादुरगढ़ से एक खबर आई है, लिव इन में रहने वाले कपल जिनकी मौत हुई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, हरियाणा पुलिस इस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है। 25 साल का गर्वित और 22 साल की उनकी गर्लफ्रेंड नंदिनी, इनकी मौत हो गई है।